सो हाई किसको मैच चुनाव आश्रम में बताऊँगा हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स। सो यहाँ पे आप सभी को पता है कि हमारी ब्लॉग है वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए बैकलिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बैकलिंक्स कैसे बनाई जाती है और किस प्रकार से आप जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स बना सकते हैं और बैकलिंक्स के फंडामेंटल क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बैकलिंक्स के फंडामेंटल होते क्या हैं और कैसे जो है कि इसका लोग यूज़ करते, जो एडवांस ब्लॉगर है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप इसके जरिए कैसे ट्रैफिक ला सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो आर्टिकल मैं बहुत सारे लिखता हूँ और आर्टिकल लिख के अगर मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक के चक्कर में पड़ा रहूं तो मुझे ट्रैफिक में भी हो सकता है ना आए, तो यहाँ पे कभी भी आपको कोशिश करना चाहिए कि दो तरीके से ट्रैफिक लाने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा तरीका है वो है बैकलिंक्स, और बैकलिंक्स हमारी किसी भी पोस्ट को, जैसे कि मान लीजिए ये पोस्ट यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ये पोस्ट है इस पोस्ट को अगर हम बात करें तो बैकलिंक्स रैंक कराने में बहुत मदद करती है। अगर हम बात करें किसी भी पोस्ट को आप ले लीजिए, अगर उस पोस्ट को अगर आप पर्टिकुलर पोस्ट को रैंक कराना चाहते हैं किसी, अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर को बीट करना चाहते हैं, तो ये अगर हम बात करें बैकलिंक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर इसका फंडामेंटल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में बड़े ब्लॉगर क्या करते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, किस प्रकार से जो है कि बैकलिंक्स की मदद से अपने जो ये पोस्ट हैं यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये जो पोस्ट देख पा रहे हैं इस पोस्ट को रैंक कराते हैं, तो आप कैसे रैंक करा सकते हैं, आप क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं और कैसे जो है कि बैकलिंक्स आपकी पोस्ट को अगर हम बात करें तो बूस्ट करती है, बूस्ट करने में बहुत मदद करती है ये अगर हम बात करें बैकलिंक्स, और इसका ज़्यादातर अगर हम बात करें ब्लॉगर इस्तेमाल करते भी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बैकलिंक्स दो टाइप की होती है, यहाँ पे डू फॉलो बैकलिंक्स होती है और अगर हम बात करें नो फॉलो बैकलिंक्स होती है। तो डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स आप जो कि दोनों बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों को भी आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर ब्लॉगर अगर हम बात करें तो डू फॉलो बैकलिंक्स के साथ में जाते हैं, लेकिन आपको दोनों ही क्रिएट करने चाहिए। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊँगा इस वीडियो में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में बैकलिंक्स होता क्या है और बैकलिंक्स को क्यों क्रिएट किया जाता है, इसका रीजन क्या है, मेन पर्पस क्या है। सबसे जरूरी होता है हमें उसके बारे में जानना कि वो एक्चुअल में बैकलिंक्स क्यों क्रिएट करते हैं, क्या रीज़न होता है और इससे क्या सच में हमारी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक बूस्ट होती है या फिर नहीं होती है, ये चीज़ें आपको जानना होगा और ये चीज़ें आपको एक बार क्लियर हो जाएंगी तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बैकलिंक्स को क्रिएट क्यों किया जाता है और बैकलिंक्स क्या इसमें अगर हम बात करें हमारी ब्लॉग वेबसाइट पर क्या इम्पैक्ट डालती है। यहाँ पर सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कीवर्ड्स को मैं सर्च करता हूँ, आप सभी को पता है कि कुछ वर्ड्स मैच करते हैं, कुछ वर्ड्स मिलते हैं तो एक सेंटेंस बनता है और वो सेंटेंस अगर हम बात करें तो गूगल पे कीवर्ड्स कहलाता है। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड सर्च करेंगे और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हाउ टू मेक अ वेबसाइट। सो यहाँ पे मैंने सर्च किया हाउ टू मेक अ वेबसाइट, यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये एक कीवर्ड्स है और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कई सारे कीवर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे बैकलिंक्स का रोल क्या होता है वो चीज़ें आप समझिएगा, जिससे आपको आइडियाज़ लगेगा कि एक्चुअल में बैकलिंक्स लोग क्रिएट करते क्यों हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी कीवर्ड्स के बारे में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल बैकलिंक्स कैसे काम करती है, कैसे आपकी साइट को रैंक कराने में आपकी मदद करती है, इस चीज़ को आप समझिए जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉप पे जो यहाँ पे एड्स लगा हुआ वेबसाइट है, ये कंपनी है कोई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये कोई कंटेंट यहाँ पर नहीं देती है। सिंपल से अगर हम बात करें नीचे की तरफ हम आएँगे या फिर जो है कि हम यहाँ पर इन हिंदी कर देंगे, ठीक है, या फिर हम जो है कि फ्री कर देते हैं, देखते हैं कुछ और आता है क्या। तो यहाँ पे आपको जो कि चेंज कर दिया हमने, जो ऊपर का एड्स लगा हुआ उसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे देखिए website.com है, यहाँ पे देखेंगे तो और भी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट वेबसाइट फॉर बिल्डर मेक अ वेबसाइट और यहाँ पे इन हिंदी कर देते हैं, चलिए हम इसे। अब जो है जो भी वेबसाइट आएंगी वो इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट आएंगी, जैसे कि हम वेबसाइट बनाते हैं अपने लिए उस तरह की वेबसाइटें आएंगी, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये सारी की सारी वेबसाइटें, हम जैसे अगर हम बात करें एक ब्लॉगर हैं या एक नॉर्मल ब्लॉगर, उस तरह की वेबसाइटें ये सारी हैं, मतलब कोई भी कंपनी की वेबसाइटें नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे बैकलिंक्स करती क्या है, बैकलिंक्स का काम क्या होता है, बैकलिंक्स क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, अगर आप जो कि मिस करेंगे कोई भी चीज़ें तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अभी आप देखिए इस वेबसाइट को देखिए हाउ टू हिंदी डॉट कॉम है और इसको हम विजिट करते हैं, इस वेबसाइट को जैसे विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि हमने सर्च किया था हाउ टू मेक अ वेबसाइट फ्री इन हिंदी, तो यहाँ पर देखेंगे क्रिएट वेबसाइट इन हिंदी आया है, जो कि हमारी अगर हम बात करें इससे मैच नहीं कर रहा है और कोई इस टॉपिक पे आर्टिकल है भी नहीं, अगर आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे तो बिल्कुल आपकी इस टॉपिक पे आर्टिकल रैंक करेगी, क्योंकि इसका देखिए कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बहुत कम है।
अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जब इस वेबसाइट को आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे कुछ मिलता जुलता, जो अगर हम बात करें हाउ टू मेक अ वेबसाइट, यहाँ पे देखते हैं ये जो ये वर्ड आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये कुछ मिलता जुलता वर्ड है। यहाँ पे देखते हैं ये मैच कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये पहले वर्ड को ट्रैक करते हुए ये जो कि पहली वेबसाइट आ रही है टॉप पे। उसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे सेकंड वाली वेबसाइट में कोई कीवर्ड्स नहीं है जो कि इससे रिलेटेड हो, आपकी जो कीवर्ड्स हमने सर्च किया है इससे रिलेटेड हो यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन इसके टाइटल में है, देखिए हाउ टू मेक अ वेबसाइट, ये जो है टाइटल में है इसके लिए ये रैंक कर रही है सेकंड नंबर पर, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है, और इन्होंने यूज़ भी किया है। अगर आप इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, अगर एंड में जाएंगे, अगर इसके अंदर जाएंगे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे आपको आपकी इस वेबसाइट में जो कंटेंट लिखे गए हैं उसमें आप देखेंगे तो हाउ टू मेक अ वेबसाइट इससे रिलेटेड कीवर्ड्स और या फिर इस तरह के कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखिए हाउ टू मेक अ वेबसाइट, ठीक है, हमने जो सर्च किया था एग्जैक्ट मैच कर रहा है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन हिंदी, तो ये भी मैच कर रहा है। नीचे आएंगे तो और भी कई बार इन्होंने जो है कि कीवर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया है, कीवर्ड्स को यूज़ किया है। आप यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड्स को एक बार अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे इस वेबसाइट को, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कई बार जो है कि सेम कीवर्ड को देखिए हाउ टू मेक अ वेबसाइट फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया है, लेकिन इसके साथ में देखेंगे ये कुछ अलग कीवर्ड्स हैं, लेकिन टारगेटेड जो कीवर्ड्स हैं ये यही वाले हैं। तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिखे गए हैं और काफ़ी लंबा यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है, जिसकी वजह से ये आर्टिकल रैंक कर रही है, सबको बीट कर रही है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, बैकलिंक्स यहाँ पे क्या रोल अदा करती हैं और बैकलिंक्स का इंपॉर्टेंस होता क्या है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करूँगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस वेबसाइट को लिंक को कॉपी करूँगा, आ जाऊँगा यहाँ पे एचरफ है साइट एक्सप्लोरर पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, और जिसे समझेंगे आप, अगर आप इसको समझ गए तो आप मेरे हिसाब से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में, इससे आप आसानी से ट्राफिक ला पाएंगे अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर, आसानी से ट्राफिक ला पाएंगे। अगर इस चीज़ को नहीं समझे जो कि मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आप मिस कर गए तो आप इतना समझ लीजिए पूरी वीडियो को मिस कर गए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे यूआरएल पे क्लिक कर देना है, और ये आर्टिकल का लिंक है, इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, सर्च किया, और सर्च करने के बाद अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि ये टूल्स आपको मिलेगा कहाँ से, एचरफ मिलेगा कहाँ से, तो इस टूल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जो कि फॉलो करिए और इस टूल को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही चीप प्राइस में ये अवेलेबल है, यहाँ पर आपको जो कि 200 से 300 के प्राइस में आपको ये मिल जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे इसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे रिफरल डोमेन्स दिखा रहा है और यहाँ पे बैकलिंक्स दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए इस पर्टिकुलर पोस्ट पे, देखिए ये पोस्ट का यूआरएल है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये पोस्ट का यूआरएल है और इस पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ 27 बैकलिंक्स ली गई है, जो कि ये पहले नंबर पर रैंक कर रहा है। और दूसरे नंबर पर जो साइट रैंक कर रही है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये दूसरे नंबर पर रैंक कर रही है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट करूँगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बैकलिंक 27 ली गई है, यहाँ पे रेफरल डोमेन जो है कि 15 है, लेकिन अब मैं इसको पोस्ट करूँगा, इसको आप देखेंगे तो इसका कम होगा। यहाँ पे मैं पोस्ट करके दिखाता हूँ, और जैसे पेस्ट किया यहाँ पे सर्च करता हूँ यहाँ पे, और जैसे सर्च करूँगा तो यहाँ पे अभी इसका आप देखेंगे तो मिनिमम होगा, मतलब ये सेकंड नंबर पे है तो डेफिनेटली इसका मिनिमम होगा बैकलिंक्स, और ये उतना ज़्यादा बैकलिंक्स नहीं क्रिएट की होगी। देख सकते हैं आप, रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ 8 बैकलिंक्स है, और इसके डोमेन अथॉरिटी भी उतना हाई नहीं है, और इसकी रेफरल डोमेन्स आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 है। तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इनको सिंपल से अगर हम बात करें, बीट करने का तरीका यही है, अगर आप इस साइट को बीट करना चाहते हैं तो इसके कंटेंट को विजिट करिए इस साइट को, और इसके कंटेंट देखिए कितना इन्होंने कितना लंबा कंटेंट यहाँ पर लिखा है। अगर इन्होंने छोटा कंटेंट लिखा है या फिर बड़ा कंटेंट लिखा है, या फिर यहाँ पे अगर 1000 वर्ड के कंटेंट लिखे हैं तो यहाँ पे आपको 1200 वर्ड के कंटेंट देने हैं या फिर 1500 वर्ड के, ठीक है। ये कंटेंट आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्ड के जो कि जितने भी वर्ड के इन्होंने लिखा है इससे ज़्यादा आपको लिखना है। और उसके बाद जो कि इनकी डोमेन अथॉरिटी भी चेक करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि डोमेन अथॉरिटी कितनी है, डोमेन अथॉरिटी 8 है, मतलब बहुत कम है, इसको आप बीट कर सकते हैं इजीली, आप इसको बीट कर सकते हैं इस टॉपिक पे आप काम करके। तो सिंपल सा तरीका है, इसके ऊपर आप काम करेंगे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बैकलिंक्स क्रिएट करना मत भूलिएगा, बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, सिंपल सा तरीका है। और यहाँ पर एक लिंक है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बैकलिंक्स क्रिएट की जाती है। तो ये लिंक गाइज आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, और इस लिंक को आप जो है कि यहाँ पे अगर हम बात करें जब बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तब आप इसको यूज़ करिएगा, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आप इसे पेस्ट करेंगे, सो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके टॉप पे हम पेस्ट कर देते हैं, और जब टॉप पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है,
और यहाँ पे आपकी साइट का अगर हम बात करें कोई टेक्स्ट वर्ड होता है, तो चलिए मैं एक बैकलिंक्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। सिंपल सा तरीका है इसका, मैं बैकलिंक्स बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा। फिलहाल मैंने कॉपी वाला कुछ लगा रखा है, इसके लिए कॉपी तो नहीं होगा, तो यहाँ पर किसी और का हम ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज करिए मैं इसका जो कि इसका बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, सिंपल सा तरीका है इसे कॉपी करूँगा। और सबसे पहले तो हम इसके टाइटल को कॉपी करेंगे या फिर किसी और काम बना देते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं ये साइट जो है कि ओपन हो गई है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं, उस पोस्ट की अगर हम बात करें तो हमको उन्हें बैकलिंक्स में कन्वर्ट करना होगा। सिंपली अगर हम बात करें तो इसको मैं इसके टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से, और इसके टाइटल को इस तरीके से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी वेबसाइट पर आऊँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा टॉप 10 बैकलिंक्स क्रिएटर। जब इस तरीके से आप सर्च करते हैं या फिर टॉप 10 बैकलिंक्स जनरेटर सर्च करते हैं तो ये कुछ इस तरह से वेबसाइटें आ जाती हैं, और यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे 11 ऐसी वेबसाइटों के बारे में बताया गया है जहाँ से आप बैकलिंक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है बैकलिंक्स लेने का, यहाँ पर देखिए एंटर योर कंपटीटर, ओके इसको हम नहीं फॉलो करेंगे। तो इनमें से किसी एक वेबसाइट को हम विजिट करते हैं और देखते हैं क्या वहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से टॉप 10 अगर हम बात करें तो बैकलिंक्स जनरेटर यहाँ पे सर्च करना होगा, और जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको टॉप 10 100 वेबसाइट ऐसे मिल जाएंगे जहाँ से आप बैकलिंक्स ले सकते हैं अपने लिए बिल्कुल फ्री में। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ये वेबसाइट बता रही है कितना जो है कि बैकलिंक्स आप ले सकते हैं, और ये भी वेबसाइट है यहाँ पर जो कि इन्होंने बताया है, यहाँ से भी आप बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। अब बैकलिंक्स जनरेट करने का तरीका अलग अलग है अगर एक्चुअल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपको यहाँ पे सबमिट करने का कोई अगर हम बात करें टैब यहाँ पे मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर 21 बैकलिंक्स के साइट दिए गए हैं, जो कि पहला यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर देखते हैं लिंक मैनेजर बैकलिंक्स प्रोवाइडर है, ये देखिए फ्री बैक ऑटोमेटिक बैकलिंक्स जनरेटर। तो इस तरह की कुछ वेबसाइटें हैं जिनको आपको विजिट करना होगा। ये तो पैड है, इसको हम छोड़ देते हैं, और भी हम वेबसाइटें हैं जो कि यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्री बैकलिंक्स जनरेटर, तो इस तरह की वेबसाइटों को कुछ वेबसाइटों को आपको निकालना होगा। तो प्रॉब्लम हो सकता है वो साइट शायद हो सकता है मे बी बंद हो, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बात करें नेट का भी इशू है तो आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ से बैकलिंक्स लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ये वेबसाइट है, तो यहाँ पर बैकलिंक्स लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर URL देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने ये जो पोस्ट है इसका मैं URL कॉपी करूँगा यहाँ से, और सिंपल सा तरीका है यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे URL पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे पेस्ट करते हैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखना है, तो यहाँ पे मैं अर्न मनी लिख देता हूँ, और उसके बाद जो कि 10 बैकलिंक्स यहाँ पर लिखा गया है, तो आप जो कि जितना चाहिए उतना बैकलिंक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको सबमिट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो कि ज़्यादा नहीं 10 ही बैकलिंक्स लूँगा, क्योंकि एक समय में आपको मिनिमम बैकलिंक्स लेना होता है, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये स्पैम में चला जाता है। अब मैं इसे कर दूँगा सबमिट पे क्लिक, और जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। देखते हैं ये सबमिट हो चुका है, और जैसे ये सबमिट हो जाता है ये कुछ इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपको बैकलिंक्स देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको ट्राफिक यहाँ से आपकी ब्लॉग वेबसाइट पर, ये वाली ब्लॉग वेबसाइट पे, इस पोस्ट पे आपको पर्टिकुलर पोस्ट पे जाने लगती है। तो इस प्रकार से आप जो कि मैक्सिमम बैकलिंक्स को जनरेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स को जनरेट करेंगे। और आप यहीं से नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप और भी कई सारी वेबसाइटें हैं जहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक और वेबसाइट है, यहाँ से भी आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। आप ऐसी कि हज़ारों वेबसाइटें फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल पे, और उनके माध्यम से जो कि आप बैकलिंक्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो मैं आपको बैकलिंक्स की ऐसी कई सारी वेबसाइटें प्रोवाइड कर दूंगा एक डॉक्यूमेंट फाइल में, और उसके माध्यम से आप जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप बैकलिंक्स ज़्यादा जनरेट करके रखेंगे तो आपको आसानी से जो कि यहाँ पर रैंक करने में गूगल में मदद मिलती है, मतलब जो भी आपकी आर्टिकल है, जो भी आपके पोस्ट हैं, वो आसानी से गूगल में रैंक हो जाते हैं। तो किसी को भी बीट करने का तरीका यही है कि बैकलिंक्स से अगर हम बनाएं, और बैकलिंक्स अगर बनाते हैं तो हमारी पोस्ट आसानी से बूस्ट हो जाती है, मतलब किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को बीट करने में बहुत ही मदद करती है। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप जो कि यहाँ पे बैकलिंक्स बनाते हैं, इसमें दो तरीके के बैकलिंक्स बनते हैं। जैसा कि हमने डायरेक्टली यहाँ पर बैकलिंक्स लिया उस साइट पर, जैसा कि आपने देखा, और डायरेक्ट हमने जो कि URL पेस्ट किया, पोस्ट पेस्ट किया और सबमिट कर दिया, वो एक बैकलिंक्स लेने का तरीका हो गया। और दूसरा जो कि मैंने डॉक्यूमेंट का बात किया था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में है,
यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से एक हाइपरलिंक बनता है जब इसका यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और डीप में, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ बैकलिंक्स की वेबसाइटें मुझे निकालनी पड़ेंगी, जिसके बाद आपको आइडिया लगेगा। और ये डू फॉलोइंग बैकलिंक्स कहलाता है, जिसके माध्यम से आप जो कि बहुत ही अच्छी खासी रिस्पॉन्स यहाँ पर देख सकते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर। तो एक अच्छी ट्राफिक यहाँ पर जनरेट करने में मदद करता है। आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं वेबसाइटों के ऊपर बैकलिंक्स निकालने हैं जिनके ऊपर उनके डोमेन अथॉरिटी हाई है। जैसे कि ये वेबसाइट देख सकते हैं, इसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ही कम है, मतलब 8% है। इसका मतलब आपको यहाँ से वेबसाइट पे, इस तरह की वेबसाइटों पे आपको बैकलिंक्स नहीं लेना है। आपको बैकलिंक्स लेना है जिनकी, अगर हम बात करें 50+ है या फिर 30+, अगर हम बात करें यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी है, ये जो डोमेन अथॉरिटी है 30+ है। आप चेक कर सकते हैं डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक करते हैं, फ्री वाली भी वेबसाइटें हैं उन पर भी आप चेक कर सकते हैं डोमेन अथॉरिटी को। और ये अगर प्लस में है तो आप इजीली वहाँ से जो कि बैकलिंक्स ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से गाइज आपको काम करना है, इस प्रकार से आपको बैकलिंक्स लेना है, जिससे आपकी पोस्ट जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो रैंक करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राफिक आपको मिलेगा। आई होप जो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा और भी कुछ ऐसे तरीके जिनके माध्यम से आप जो कि अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्राफिक जनरेट कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके मैं आपको लेके आने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बताऊंगा मैं आपको किस तरह से आप जो कि ट्राफिक जनरेट करेंगे।